अब इधर देखो, आपके पास सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू बी। हाँ, अगर इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते तो क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? रैंक ऑफ ए बाई बी तो ए के बराबर ही होना चाहिए, लेकिन दिस शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, दैट इज 3। तो रैंक 3 से कम होना चाहिए, यानी रैंक ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट इट शुड बी लेस देन 3। अगर 3x3 मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है तो उसका डिटरमिनेंट तो 0 होगा ना, बस यही करना था इसमें। सामने देखिए आप सभी लोग, ए एक्स इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप सभी महानुभाव सामने ध्यान लगाओ, देयरफॉर रैंक ऑफ ए बाई बी ए बाई 0 इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड दिस शुड बी लेस देन 3। यू नो क्यों होगा, क्या होगा? सो ये दोनों चीजों तो वैसे भी सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। सो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। हाँ जी, तो डिटर्मिनेंट कितना? 0। अब डिटर्मिनेंट भी मेरे से ही निकलवा हो गया, चलिए निकाल देते हैं। साथ दीजिए, कुछ गलत हो तो बता दी, पहले बता देना, ये नहीं कि पिछले क्वेश्चन की तरह 19 - 19 अल्फा इंटू बीटा गामा माइनस वन। कुछ गलत हो तो बताइएगा, गामा माइनस वन। भाई देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब नहीं, अब नहीं, 1 - बीटा। और उसने ये वैल्यू तो दे दिया था, दिस शुड बी 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा माइनस गामा प्लस वन प्लस वन माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो ये 1 है, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस वन प्लस वन इज 0। लो भैया आ गया, क्या आया? अल्फा प्लस बीटा, यही चाहिए था ना। विदाउट फाइंडिंग अल्फा बीटा गामा इंडिविजुअली यू हैव ट्रेस, मिल गया सबको, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये काम करना था। अब ये हाँ जो कॉन्सेप्ट लगाया, ध्यान से देखिए, पहले नोट करने के चक्कर में मत रहिए। पिछला क्वेश्चन था अमेजिंग क्वेश्चन, सच में वैसा दोबारा आएगा एग्जाम में, वो वैसे ही आएगा। यहाँ वाला कॉन्सेप्ट जरा कोशिश करो पिछले क्वेश्चन में लगाने की। वहां दो अननोन है ना, ए एंड बी, पहले ए निकालिए फिर बी निकालिए, या पहले बी निकालिए फिर ए निकालिए, एक साथ हनुमान जी वाला काम मत कीजिए, काम आप ही करेंगे, एग्जाम आप ही को देना है। इतना इतना हिंट आपके लिए काफी है। उसके पास भी कितने सॉल्यूशन हैं पिछले क्वेश्चन में, तो यही होगा ना, समझे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले वहां डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 0 होना चाहिए, तो वहां से ए आ जाएगा। बस एक बार ए आ गया फिर बी कहाँ दूर है, बट करना पड़ेगा भाई, टाइम लगाना पड़ेगा, समय लगाइए प्लीज डू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. उस पिछले क्वेश्चन ने इस क्वेश्चन की वैल्यू कम कर दी, वैसे तो इसी ने सिखाया आपको, कुछ कुछ तो सिखा ही दिया होगा भाई। ये आर्गुमेंट आपको क्लियर है आप सबको, यहाँ क्या किया हमने? हाँ, इनफिनिट सॉल्यूशंस का मतलब यू नो,